टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि मुंब्रा के शंकर मंदिर पर तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर खुशी का जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन रही है और इसी के उपलक्ष में चार राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, आज मुंब्रा शहर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं और खुशी मनाकर जो है इसमें जश्न मनाए रहे हैं। और इस मौके पर हम बात करने की कोशिश करेंगे तमाम, जिस तरह से देखेंगे आप कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा है यहाँ पर। या चारी राज्याच्या जनतेने विकासाला मत दिलेला आहे, त्या पद्धतीने आज सर्व राज्यांचे निकाल लागलेले आहेत आणि चार राज्यात भारतीय जनता पार्टीला बहुमत मिळालेला आहे। विकासाला कौल दिलेला आहे आणि पुन्हा एकदा म्हणजे भाजपचं एक अस्तित्व आपल्या भारतामध्ये झालंय असं आपण म्हणतो। हा, पूर्ण भारतामध्ये पुन्हा एकदा भाजपावर विश्वास ठेवलाय नागरिकांनी असं म्हणतो। यस यस यस, पूर्ण भारतात नागरिकांनी विश्वास ठेवला, त्याच्यामुळे तर बहुमतात आज भारतीय जनता पार्टी चार राज्यात निवडून आलेली आहे। क्या बता की कुणाल जी, आपने आप किस तरह से उत्साह साधारण कर रहे हैं क्योंकि आपने चार राज्य में आपकी सत्ता आई हुई है भाजपा की, क्या बताएंगे आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के मतदार बहुत उत्साहित है और हर जगह पे पूरे भारत भर में ये उत्साह को बतौर पटाखे पेड़े बांट के हम सब मना रहे हैं। आज उसी तरह मुंब्रा कौसा के कार्यकर्ताओं ने इस जीत के अवसर पर सभी को पेड़े बांटे, मिठाई खिलाई और सबको बधाई दी है। हा, लोकशाही का विजय है आणि घर घर मोदी, हर हर मोदी आणि घर घर योगी, हर हर योगी, हर हर योगी हा पूर्ण भारतभर हा कॉल जाणार आहे, कारण हा भारताचा जो चौथा स्तंभ होता हा भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात असून पण चार राज्यांमध्ये आम्ही प्रचंड मताने निवडून आलोय, हीच लोकशाहीची ताकद आहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, घर घर योगी। आज कैसा है मालूम है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो विजय हुई है ना, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की विजय हुई है, मणिपुर के जनता की विजय हुई है, गोवा के जनता की विजय हुई, उत्तराखंड जनता की विजय हुई और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व किया है, जो गरीबों के प्रति विश्वास जताया है और मैं आप लोगों को एक बात का विश्वास देना चाहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश का धुआं है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और 2022 तो ये झांकी है, अभी 2024 बाकी है और महाराष्ट्र पे कब्जा करने की पूरी तैयारी है। बीएमसी और टीएमसी का कब्जा हो चुका है, बस समय का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, क्या कहेंगे आप, चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है आज भारतीय जनता पार्टी का, हमारा माहौल देख के आपको तो कैसा लग रहा है, जो इतने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारे चार स्टेट में हमारी सरकार आई है, उसी का जल्लोष हो रहा है। इसी तरह से हम टीएमसी में भी हमारी जल्दी से जल्दी हमारे महापौर बैठे, इसकी कोशिश करेंगे और इसी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। पहला लड्डू अभी इस खुशी में हमारे जो पत्रकार भाई है, पत्रकार भाई है, उनको पहला पेड़ा दाम ये लड्डू खिला के ये हम जश्न मनाते हैं। सिरके का पहले मूमिका कराइए भाई, सिरके का रोई दिख रहे, इसके बाद में मैं अपील करता हूँ, जैसे कि माइनॉरिटी एरिया से जो अपने माइनॉरिटी लोग हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को
वोट दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से हर जगह पे विन भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में हो रही है, इवन अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लोगों को ही एनडीए के लोगों को ही जीत दिलाई गई थी, लेकिन शिवसेना ने धोखा देके इनके साथ यूपीए के साथ चले गई। इसी तरीके से आने वाले निवडणुक में जो बीएमसी का निवडणुक रहेगा और टीएमसी का निवडणुक रहेगा, उसके अंदर हम उम्मीद करेंगे कि माइनॉरिटी लोग भी अच्छे से अच्छा वोट दे और हम यहाँ पे जीत दर्ज कराए। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि चार राज्य में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर कर आई है और जीत कर आई है। ये सारी की सारी जीत जो 125 करोड़ की जो जनता है उनकी है, यूपी में जो 25 करोड़ जनता है ये उनकी है। एक बार लोगों ने जो जनमानस है उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके विपक्षियों के मुंह पर तमाचा मारा है और ये बताया है कि आप जितना सही का विरोध करोगे सच उतना उभर कर आएगा। और आज सच चारों के चारों राज्यों में सच उभर कर आया है। हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। और आपको और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 7 साल का कार्यकाल इतने अच्छे तरीके से पूर्ण किया, महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 साल का अपना कार्यकाल जो इतने अच्छे से पूर्ण किया, आने वाले 5 साल में वो अपना बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलाने वाले हैं, ऐसा ही धमाका होगा जो अभी भारत बनेगी। और सारे के सारे विपक्षियों को अपना तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर जब चलेगा तो एक लाइन से सबको सपाट करेगा। ये तो हो गई चार राज्यों की बात। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी 105 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी थी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता स्थापन करेगी और अपने बलबूते पर करेगी, किसी का सहारा नहीं लेगी। और भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं 1980 के आसपास में 85 के आसपास जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कारोबार संभाला, तब से भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा और जय श्री राम का नारा लेके चलती आई है और चलती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विजय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और हम सभी का प्रयास के साथ में ये जो चार राज्यों की जीत है वो हम सब की जीत है। पेड़े खाइए, लड्डू खाइए और खुशी मनाइए। वंदे मातरम।